महाराष्ट्र की एक ऐसी जगह जो दिखती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे, ये है मांगीतुंगी पिनाकल्स। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ये सुंदर जैन तीर्थ स्थान और देखेंगे यहाँ की कुछ अद्भुत चीजें। Hey, what is up, Mitran Sir Patil, and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. Well, दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मांगीतुंगी ट्रैक। आप देख सकते हो मेरे एग्जैक्टली बैक साइड, ये है दो पिनाकल्स, ये है मांगी पिनाकल और ये है तुंगी पिनाकल। और यहाँ ऊपर तक जाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप्स है। आप कंप्लीट देखने जाओगे तो 3500 अप्रोक्सीमेट स्टेप्स है दोस्तों यहाँ पे, जो कंप्लीट करने के बाद आप ऊपर पहुंच जाते हो। और अगर पूरा एक्सप्लोर करने गए तो 3-4 घंटे लग जाते हैं और स्टेप्स क्लाइंब करने को ही लाइक 2 घंटे अप्रोक्सीमेट लग जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऊपर चढ़ने के बाद बहुत सी चीजें देखने लायक है। सबसे पहली बात, मतलब ये जो पिनाकल्स है वो ही एकदम मस्त दिखते हैं और जो फॉग से वो कवर हो जाता है ना, तो क्या बताओ यार, इतना मस्त व्यू आता है ना। एंड जो पिनाकल्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो स्टेप्स है दोस्तों, वो तो लिटरली ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया लगते हैं। और ऊपर जाने के बाद सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे एक 108 फुट बड़ी मूर्ति है, एक स्टोन के अंदर कार्व की हुई बड़ी सी मूर्ति है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा लाइक यहाँ पे आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, ऊपर जाने को कितना टाइम लगता है, कम्प्लीट एक्सप्लोर करने को कितना टाइम लगता है, देन यहाँ पे पहुंचने का कैसे, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी ट्रैक को स्टार्ट करते हैं, सुबह के 7 बज रहे। मांगीतुंगी मुंबई से अप्रोक्सीमेटली 280 किलोमीटर, नासिक सिटी से अप्रोक्सीमेटली 125 किलोमीटर और पुणे से 330 किलोमीटर की दूरी पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ आपको जाना रहेगा तो आपको सबसे पहला पहुँचना पड़ेगा ताराबाद टाउन। नासिक सिटी से या फिर सटाना से आप नंदुरबार जाने वाली एसटी बस पकड़ सकते हो। ये एसटी बस आपको मांगीतुंगी एंट्री गेट के पास छोड़ देगी। ये ट्रैक का बेस विलेज है भिलवड़ विलेज, जहाँ से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है। और ये विलेज मांगीतुंगी एंट्री गेट से अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन लोग का फाइट इतना इंटेंस चालू है कि हम लोग इतने बाजू में है, फिर भी इन लोग को डर भी नहीं लग रहा है, बट हमें डर लग रहा है कि कहीं हम लोग के ऊपर अटैक ना कर दे। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है लेफ्ट हैंड साइड और एक जाता है राइट हैंड साइड। तो अगर आपको गाड़ी से जाना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। ये जो रास्ता है दोस्तों, ये आपको अप्रोक्सीमेट लाइक 1000 steps तक जाके छोड़ देगा एंड रिमेनिंग स्टेप्स आपको चल के ही करने पड़ेंगे। और ये जो रास्ता है, यहाँ से अगर आप जाओगे तो आपको कम्प्लीट लाइक 3500 steps पूरा चल के जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया कि यहाँ से जाएंगे, बिकॉज कुछ मतलब नहीं है, गाड़ी से जाएंगे तो ट्रैक का मजा भी नहीं आएगा और ऊपर से लाइक 1000 steps तक ही छोड़ेंगे, तो बाकी के 1000 steps हम लोग चल के ही कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है 108 फुट बड़ी मूर्ति और गाड़ी का रास्ता। तो अभी हम लोग का ट्रैक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एकदम अर्ली मॉर्निंग है तो ट्रैक करने में मजा आएगा। धूप निकली है वैसे, बट बिल्कुल भी चुभ रही नहीं है धूप, एकदम शांति है दोस्तों यहाँ पर, पीसफुल एनवायरमेंट है, बर्ड्स का आवाज, और सुबह सुबह ट्रैक करने को लिटरली मजा आती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रैक को, एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम ऐसे स्टेप से दोस्तों, बट सेफ है, बस बंदर लोग का डर लगता है। वेल दोस्तों आप सामने देख सकते हो ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, ये स्टेप्स है और ये कंप्लीट स्टेप्स चढ़ के हम लोग को ऊपर जाने का है। अप्रोक्सीमेट 3500 steps है और यहाँ पे आपको मे भी दिखता रहेगा, यहाँ पर वो 108 फुट बड़ी जो मूर्ति है वो यहाँ पर है। ये देखो, ये जो मूर्ति है दोस्तों, ये 108 फुट बड़ी मूर्ति है, कम्प्लीटली ये जो पहाड़ है इसके अंदर कार्व करके बनाई है। और अभी यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे और ये जो बीच वाला रिज है दोस्तों, ये जो पोर्शन है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, कम्प्लीट ऐसा वॉल है, मतलब स्टेप्स है, और हम लोग पहुंच जाते हैं ये पिनाकल के पास। वेल दोस्तों अभी प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, अभी स्टेप स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो एकदम नॉर्मल चढ़ाई है, बट थोड़े टाइम के बाद एकदम प्रॉपर चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। एकदम लिटरली लाइक 45-50 degree का स्टेप्स है, अभी थोड़ा हफने हो रहा है, ऊपर जाते जाते हालत पतली होने वाली है, बट मजा भी उतना आएगा बिकॉज यहाँ के स्टेप्स लिटरली देखने लायक है। यहाँ से आप देख सकते हो व्यू, यहाँ पे स्टेप्स है और ये स्टेप्स ऐसे पूरे घूम फिर के पहाड़ के साइड साइड से ऊपर जाएंगे। मांगीतुंगी ये एक जैन तीर्थ स्थान है। ये पिनाकल्स के पास आपको देखने मिलते हैं कई सारे केव्स, जैन स्क्रिप्चर्स, जैन टेंपल्स और सुंदर कार्विंग्स। अप्रोक्सीमेटली 1500 स्टेप्स चढ़ने के बाद यहाँ आपको देखने मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा
ऋषभदेव भगवान का स्टैचू जो हम वीडियो में आगे देखेंगे। We are climbing Great Wall of Maharashtra. बहुत मस्त स्टेप्स है दोस्तों ये। लगभग 3,500 सीढ़ी चढ़ना है, 3,500 सीढ़ी उतरना है और नीचे 250 सीढ़ी पे एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, भगवान मुंशीपतनाथ का दिगंबर जैन प्रतिमा, बहुत बड़ी गुफा है, नेमिनाथ भगवान की दिगंबर जैन मंदिर की बहुत बड़ी गुफा है, 4 मंदिर के नीचे दर्शन है, आदिनाथ भगवान भी है नीचे। और 3 बजे के बाद ऊपर पहाड़ के मंदिर बंद हो जाते हैं क्योंकि मौसम की वजह से, वातावरण की वजह से कोई घटना न घटे, इसलिए 3 बजे ऊपर बंद हो जाता है। 3 बजे के पहले पहले आप यात्रा कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। वेल दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे बैक साइड एक शहर दिख रहा है, यहाँ तक आपको गाड़ी छोड़ देगी अगर आप गाड़ी से आते हो तो। पर हेड 200 रुपीज होता है, 200 रुपीज में आपको ऊपर भी लेके आएंगे और यहाँ से नीचे भी लेके जाएंगे 200 रुपए में। और अगर आप पूरा ट्रैक करके लाइक पूरा पैदल आते हो तो आपको नीचे की जो 1,000 सीढ़ी है वो आपको खुद से चल के आनी पड़ेगी। और अगर आप गाड़ी से भी आते हो दोस्तों तो ऊपर की जो सीढ़ी है लाइक इसके बाद जो कम्प्लीट ऊपर तक की सीढ़ी है वो आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। वेल दोस्तों, अभी हम लोग का 80% ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो है ये मांगी पिनाकल का बेस है और ये जो है ये तुंगी पिनाकल है। दोस्तों यहाँ पर नीचे एक छोटा सा कमान है, यहाँ पर ही एक कमान है कम्प्लीटली रॉक कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे आपको शूज निकालने पड़ते हैं। आप देख सकते हो मैंने भी शूज निकाले और इसके आगे का अभी कम्प्लीट जो ट्रैक है हम लोग को बैरफुट करना पड़ेगा। वो कमान के अगर आप राइट हैंड साइड जाते हो तो आप पहुंच जाते हो तुंगी पिनाकल और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे और लाइक 500 सीढ़ी है जो चढ़ने के बाद आप सीधा पहुंच जाते हो मांगी पिनाकल के पास। और यहाँ पे आते समय दोस्तों लकड़ी जरूर कैरी करना बिकॉज यहाँ पे बहुत बंदर है और यहाँ पे थोड़े कम लोग आते हैं तो बंदर लोग को जो भी मिलता है ना उनके बैक के ऊपर सीधा हमला करते हैं, उसमें से जो भी मिलेगा वो खा लेते हैं उन लोग। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से केसेस भी हुए कि बंदर लोग आके पूरा बैग लेके चले गए। तो यहाँ पे काठी जरूर कैरी करना, 20 रुपए की काठी मिलती है नीचे। हम लोग ने इसके ऊपर मस्त गोरिल्ला पॉड लगा दिया है और इसको हम लोग एज अ सेल्फी स्टिक यूज कर रहे हैं, फुल रेट्रो स्टाइल वाला सेल्फी स्टिक। तो काठी जरूर कैरी करना। अभी हम लोग जाते हैं सीधा मांगी के पास, फटफट मांगी कंप्लीट करते हैं और पहुंच जाते हैं तुंगी के पास। दिस इज फाल्कन ससाना, हिंदी में कहा जाता है शिकरा। बहुत खतरनाक पक्षी है दोस्तों बिकॉज ये ड्रोन के पीछे लग जाता है, उसको ड्रोन दिखा ना तो छोड़ेगा नहीं। एक तो काइट वाइट ईगल देगा दोस्तों तो छोड़ देगा ड्रोन को, बट ये पक्षी नहीं छोड़ता, बहुत खतरनाक पक्षी है ये। वेल दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मांगे पिनाकल के पास। बहुत खूबसूरत यहाँ से व्यूज है दोस्तों। हम लोग को टोटल 3 घंटा लग गया, 3-3.5 घंटा लग गया दोस्तों हम लोग को, बिकॉज हम लोग दोस्तों सिनेमेटिक शॉट्स, ड्रोन शॉट्स लेते लेते आ गए, इसलिए हम लोग को टाइम लग गया। अगर आप आते हो दोस्तों नॉन स्टॉप चलते हो तो आपको 1 घंटा 30 मिनट आराम से लगेंगे। अगर आपको ट्रैकिंग की आदत नहीं है ठीक ठाक तो आपको लाइक 2 घंटा 2 घंटा 30 मिनट लग सकते हैं आपको। अगर आप गाड़ी से आओगे तो आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। ट्रैक यहाँ का कुछ डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, बस इतना ही कि एंड्योरेंस बहुत लगता है आपको, बहुत एनर्जी लगता है, तो थोड़ा खा पी के आना। यहाँ पे कुछ खाने के स्टॉल्स नहीं है, पानी मिलता है, नींबू पानी मिलता है। तो अभी हम लोग जाते हैं, अभी मेरे सामने तुंगी पिनाकल दोस्तों, तुंगी पिनाकल का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ और ये जो मांगी पिनाकल है उसका कम्प्लीट प्रदक्षिणा हम लोग मारेंगे अभी। और यहाँ पे जो जो चीजें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे बैक साइड ये जो खूबसूरत सा पिनाकल दिख रहा है ये है तुंगी पिनाकल। आई गेस मैं 10 बार बोल चुका हूँ ब्लॉग में, बट जो खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे पूरा क्लिफ है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको दिखा। ये पूरे स्टेप्स चढ़ के हम लोग ऊपर आ गए। दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर।
दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे काफी सारे स्टैचूज है और ये बहुत पुराने स्टैचूज है। मांगी पिनाकल जो है उसके बाजू में आपको ऐसे बहुत स्टैचूज दिखाई देंगे और इसके बैक साइड लगे क्लिफ के बैक साइड तो आप पूछो मत, पूरा का पूरा क्लिफ भर के आपको स्टैचूज देखने मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत मस्त दिख रहे हैं दोस्तों ये स्टैचूज, इतने पुराने हैं बट स्टिल आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो, लाइक स्टैचूज के हाथ देन बॉडी स्ट्रक्चर फेस एंड ऑल आईज। मैं आपको बैक साइड वाले स्टैचूज दिखाता हूँ जो काफी ज्यादा खूबसूरत है, पूरा क्लिफ भर के आपको देखने मिलेंगे। यू कैन सी दिस यार, ये मतलब ना लिटरल दोस्तों बहुत मतलब बहुत खूबसूरत है। आप अपनी आंखों से आप देखोगे ना आपको बहुत मस्त लगेगा। आप देख सकते हो लाइक स्टैचू के आंख नाक कान बॉडी स्ट्रक्चर फिंगर्स एंड ऑल, लाइक इतने ऊंचाई पर आके ये स्टैचूज कार्व करना वो भी इतने हजारों साल पहले, लाइक सोचने की बात है। यू कैन सी दिस, यहाँ पर एक मंदिर भी है। ये स्टैचूज के पीछे का जो हिस्ट्री वो हम लोग नीचे जाके जानेंगे दोस्तों, तो वो हिस्ट्री भी आपको मैं बता दूंगा। अभी हम लोग दोस्तों शांतिनाथ दिगंबर जैन गुफा के अंदर है और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कार्विंग्स है। मैं आपको डिटेल में दिखाना तो चाहता हूँ बट ये बंदर बहुत ज्यादा खतरनाक बंदर है लिटरली दोस्तों। ये छोटे अभी आप देख सकते हो ये छोटे से गैप में से आएगा, देखो ये देख सकते हो। नहीं नहीं अभी देखो ये आएगा, ये देखो आ गया, ये देखो। और अभी पूरा ऐसा अंदर से हम लोग ने खुद को लॉक किया है और अभी ये बंदर अंदर घुस गए। ये बंदर ऐसे कुछ कर रहे तो नहीं है, अपना अपना खा रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो फुटप्रिंट्स, देन यहाँ पर फुटप्रिंट्स का कार्विंग्स है, यहाँ पे बहुत सारे कार्विंग्स है और बीच में एक मेन आइडल है, मूर्ति है। तो अभी यहाँ से फटफट निकलते हैं, नहीं नहीं फोन नहीं निकलेंगे उन लोग, अभी यहाँ से फटफट निकलते हैं दोस्तों, बिकॉज हम लोग केज के अंदर है। हम लोग ने सोचा कि हम लोग केज के अंदर सेफ रहेंगे और ये बंदर अंदर घुस गए, तो अभी ऐसा ना हो जाए कि उन लोग ने हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया। खा रहे बेचारे, खाने तो उनका उनका काम करने, तो हम अपना काम करते हैं। अभी हम लोग दोस्तों थे शांतिनाथ दिगंबर गुफा के अंदर और बाजू में आप देख सकते हो ये है श्री मांगीगिरी जैन गुफा और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे केव्स है। लाइन में आप देखोगे ना बहुत सारे केव्स है, हर एक केव के बाहर ऐसे पूरे मेटल के रेलिंग लगा के रखे ताकि बंदर अंदर ना जाए। और यहाँ इसके अंदर बहुत सारे कार्विंग्स आपको देखने मिलेंगे और आई गेस दोस्तों ये सबसे मेन केव है बिकॉज इसके अंदर है श्री महावीर भगवान का स्टैचू, तो आई गेस ये सबसे मेन गुफा रहेगी। काफी मस्त है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ठंडी गुफा है। तो अभी दर्शन लेते और बढ़ते आगे तुंगी के पास। एंड दोस्तों आप देख सकते हो यह है मांगी पिनाकल। अभी हम लोग ने मांगी पिनाकल डिसेंड किया और ये जो रिज है उसके ऊपर आप सीधा चल के आ सकते हो, एकदम प्लेन वॉक है और यहाँ से आप जा सकते हो तुंगी पिनाकल के ऊपर। आप देख सकते हो ऐसा पतला सा रिज है और रिज के ऊपर ऐसे कंप्लीट स्टेप्स बनाया है। ये स्टेप्स यहाँ से जाते हैं, फिर यहाँ पे प्लेन वॉक है और यहाँ से हम लोग को और थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है और ये जो पिनाकल है उसके सराउंडिंग आप पूरा घूम सकते हो। सो इमेजिन करो दोस्तों क्या खतरनाक कंस्ट्रक्शन है। अभी दोस्तों ट्रैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज एक तो एकदम स्टीप चढ़ाई है, दूसरी बात धूप निकली है तो ये जो स्टेप्स है एकदम गर्म हो चुके हैं और हम लोग बेयर फुट बिना चप्पल का ट्रैक कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, चटके भी लग रहे हैं और हम लोग के पास पानी नहीं है। लाइक नीचे हम लोग ने पूछा था कि पानी अवेलेबल है क्या, तो बहुत लोग ने बोला था कि ऊपर पानी मिलता है, लोग बेचते हैं पानी, बट इधर कोई भी नहीं था पानी बेचने वाला। तो हम लोग को लिटरली अभी हम लोग को बहुत प्यास लग रही है बट हम लोग
ये पिनेकल के ड्रोन शॉट्स लिए बिना तो जा नहीं सकते। नीचे से दोस्तों कितना छोटा लग रहा था ये पिनेकल, बट लिटरली बहुत बड़ा पिनेकल है, ह्यूज पिनेकल है, ह्यूज। यू कैन सी दिस। वेल दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगी पिनाकल के पास। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम केव्स है जो मांगी पिनाकल के नीचे हम लोग को देखने मिले, वैसे सेम केव्स है। और ये जो केव्स है कम्प्लीटली लॉक्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेटल का ग्रिल है बिकॉज बंदर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो लाइक अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर बंदर लोग का झुंड था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम कार्विंग्स है, स्टैचूज है यहाँ पर भी। तो अभी हम लोग दोस्तों ये जो पिनाकल है उसका कंप्लीट प्रोजेक्शन हम मारते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे चलने के लिए कितना छोटा जगह है, और यहाँ पे कंप्लीट क्लिफ है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्लिफ है दोस्तों, और यहाँ पे चलने के लिए एकदम छोटा सा जगह है। और प्रॉपर मॉनसून्स में ये जो जगह रहता है कम्प्लीटली फॉग के अंदर रहता है, तभी और भी ज्यादा डरावना दिखता है। एंड दोस्तों इसीलिए इसको कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र। आप देख सकते हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसके सामने फेल है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है यार, एकदम मस्त। सामने मांगी पिनाकल और ये स्टेप्स जिसके सहारे अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। वेल दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का मेन अट्रैक्शन देखने के लिए, जो है यहाँ का 108 फुट बड़ा ऋषभ देवता का मूर्ति, ऋषभ गिरी मतलब अहिंसा ऋषभ गिरी देवता का स्टैचू है दोस्तों ये। और वो स्टैचू देखने के लिए आपको ये जो है लाइक 5 से 6 फ्लोर का ऐसा स्ट्रक्चर है पूरा, वो चढ़ के आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। आप देख सकते हो ये कम्प्लीट नीचे से हम लोग ऊपर आ गए, कम्प्लीट स्टेप्स है यहाँ पे, और इसके अंदर लिफ्ट है, बट लिफ्ट फिलहाल तो बंद है, तो हम लोग को स्टेप से ही ऊपर आना पड़ेगा। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का मूर्ति, बहुत ह्यूज है और बहुत मस्त है दोस्तों। वेल दोस्तों आप देख सकते हो मेरे बैक साइड ये जो स्टैचू है, ये है वो फेमस 108 फीट ऊंचा कम्प्लीटली रॉक के अंदर कार्व किया हुआ स्टैचू। ये जो स्टैचू है दोस्तों वो है अहिंसा ऋषभ गिरी देवता का स्टैचू। मेरे को ड्रोन शॉट का भी मैंने पूछा यहाँ पे, बट ड्रोन शॉट के लिए अलाउ नहीं किया, बट ठीक है दोस्तों। ये स्टैचू देखने के बाद दोस्तों दो सवाल मेरे मन में आए। ये जो स्टैचू है वो 2016 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, 22 साल लग गए दोस्तों इस स्टैचू बनाने के लिए। और आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में दोस्तों लाइक प्रॉपर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ऐसा स्टैचू बनाने को जब 22 साल लग जाते हैं, तो इमेजिन करो दोस्तों जो स्टैचूज हम लोग ने मांगी तुंगी पिनाकल के नीचे देखे, वो स्टैचूज का फिनिशिंग, वो स्टैचूज बनाने के लिए कितना ज़्यादा स्किल्स, कितना ज़्यादा एफर्ट्स और कितना ज़्यादा पेशेंस लगता रहेगा, वो एक मतलब सोचने वाली बात है। आज के ज़माने में जो इतना टाइम लग जाता है, तो वो ज़माने में कितना टाइम लगता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये जो कंप्लीट पहाड़ है, ये कंप्लीट पहाड़ का इतना पोर्शन कम्प्लीटली काटा है, और ये पहाड़ मतलब ये पोर्शन को सेपरेट किया है, ये रॉक को सेपरेट किया है, और यहाँ पे वो कंप्लीट मूर्ति बनाई है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। वेल दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ये वीडियो लाइक कर देना, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। Till then, take care. Bye-bye. Jai Hind, Jai Bharat.